दिल्ली से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर इन छोटी छोटी इमारतों और विशाल माइक्रोवेव टावर्स के बीच मौजूद है एक गिरजाघर। विशाल और भव्यता का एक स्मारक, ये विरासत है भारतीय इतिहास में सबसे लंबा शासन करने वाली मल्लिका की, कई शख्सियतों वाली एक महिला फरजाना ज़ेबुनिसा, बेगम समरू, जोएना नोबिलिस। ये कहानी शुरू हुई थी एक बड़े मुश्किल दौर में। मुगल सल्तनत का अंत हो चुका था और वो दिल्ली के आसपास एक छोटे से इलाके में सिमट गई थी। वो ऐसा दौर था जब भारत में उथल पुथल थी और तब किराए के विदेशी सैनिकों का बोलबाला था। दिल्ली सन 1765। ऐसा ही एक किराए का सैनिक था 42 साल का फ्रैंको जर्मन वॉल्टर राइनहार्ट। वो भारत में 15 साल बिता चुका था और जानता था इस शहर में जिंदगी कैसी हो सकती है। उस रात वो आया था खानुम जान के कोठे पर, जो कभी तवायफ हुआ करती थी। वो अपने कोठे पर शहर के अमीरों का दिल बहलाती थी। राइनहार्ट जैसे लोग स्थानीय राजाओं की खिदमत करके काफी अमीर हो गए थे। ये गोरे मुगल भी अपनी दौलत के दम पर अय्याशी करने लगे थे। खानुम जान जानती थी कि किराए का ये विदेशी सैनिक एक खास मेहमान है और इसीलिए उसने उसकी खिदमत में एक नायाब हीरा पेश किया। गंभीर स्वभाव के राइनहार्ट को सोम्बर भी बुलाया जाता था। इस फ्रेंच शब्द का अर्थ है स्याह, लेकिन ये रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। फरजाना ज़ेबुनिसा को सिर्फ 14 साल की उम्र में इस पेशे में धकेल दिया गया था। पूरी कहानी तो सामने नहीं आई, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक राइनहार्ट उसका दीवाना हो गया था। और जल्दी ही फरजाना फरार हो गई। वॉल्टर राइनहार्ट सोम्बर यानी समरू के साथ नई जिंदगी शुरू करने, बाद में वो बनी बेगम समरू। आज 250 साल बाद भी बेगम समरू को याद किया जाता है। उन्होंने आर लेडी ऑफ ग्रेसिस नाम का ये बसलिका बनवाया, जो उनकी लंबी कहानी का अंत था। बेगम समरू की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने 50 साल तक राज किया, वो भी उस दुनिया में जहां मर्दों का बोलबाला था। राइनहार्ट सोम्बर को जल्दी ही एहसास हो गया था कि उसकी कमसिन बेगम के अंदर कुछ तो खास है। वो खुद एक किराए का सैनिक था, पर उसकी बेगम बड़ी शातिर खिलाड़ी थी। सोम्बर को उनके सलाह मशवरे से काफी फायदा मिला। उसकी फौज पूरे उत्तर भारत के राजाओं की पहली पसंद बन गई और इससे फायदा भी हुआ। मुगलों ने उसे सारधना की जागीर दे दी। 10 साल बाद सोम्बर की मौत हो गई और बेगम समरू ने सत्ता संभाल ली। 24 साल की उम्र में वो सारधना की रानी बन गई। कई दशक बाद सन 1822 में बेगम समरू ने इस गिरजाघर का निर्माण शुरू करवाया। उनके इटालियन आर्किटेक्ट एंथनी रेगेलिनी ने 3 रोमन डोम्स के आसपास 2 मीनार बनवाए। इसके अंदर था संगमरमर का बना एक ऑल्टर, जिसमें रोशनी होती थी उस विशाल गुंबद में बने रोशनदानों से। बाद में वो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर बना। तब तक बेगम समरू को सारधना पर राज करते हुए 50 साल हो चुके थे। ये इमारत उनकी शान का बखान करती है। इस गिरजाघर में एक आर्किटेक्चरल सीक्रेट भी है, जो सिर्फ आसमान से नजर आता है। आसमान से इसकी मेन बॉडी एक क्रॉस जैसी नजर आती है, जमीन से ये बारीकी नहीं दिखती। ऐसा लगता है जैसे ये इमारत उन्हें सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ती थी।
इसके बाद बेगम समरू अपनी जिंदगी में एक नए दौर में चली गई। वो कैथलिक बन गई और अपना नाम जोयाना नोबिलिस रख लिया। अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में भी बेगम समरू ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने पोप को लिखा कि उनके चर्च को मान्यता दी जाए और पोप ने उनकी बात मान ली। सन 1834 में वेटिकन ने हां कर दी और आज ये एक माइनर बसिलिका बन चुका है। ये सम्मान दुनिया में सिर्फ उन चर्चेस को मिलता है जो ऐतिहासिक रूप से मशहूर और खूबसूरत हों। बेगम समरू को इसी गिरजाघर के मेन हॉल में इटली से लाई गई उनकी संगमरमर की मूर्ति के नीचे दफना दिया गया। उस मूर्ति में उम्र दराज बेगम समरू के हाथ में वो करारनामा है जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने उन्हें सारधना की जागीर सौंपते वक्त दिया था। प्यार, महत्वाकांक्षा और यकीन ने एक तवायफ को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था।